तो जब भी आप मंदिर में आए तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पैर हाथ पैर धो लें और सब लोग यहीं पर आकर हाथ पैर धो रहे और पूजा पाठ कर यहाँ पर भैरवनाथ जी का स्मरण करेंगे और फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो आप लोगों को दिखाई जाएगी। यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, ऊपर देख सकते हैं। और मेरे साथ जो भास्कर आए हैं, भास्कर भास्कर हाथ घुट रहे हैं, पर जो कलश लेके आए हैं और ये शुद्ध पानी भरकर फिर से कलश की शुरुआत यहाँ से फिर से मंदिर तक की जाएगी। और सभी जो हमारे कुमाऊनी रस्म दिखाई दे रहे हैं, हमारे कल्चर को यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। और ये सब लोग अपने घड़े में यहाँ पर से भगवान जी के लिए एक स्वच्छ जल लेकर फिर से मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर आकर सबसे पहले पानी को पैरों को धोया जाता है, फिर उसके बाद स्नान लगाकर भगवान जी के यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। और इस तालाब में आपके पास सिक्का हो तो सिक्का चढ़ाया जाता है, नहीं तो फूल और अक्षत जो हमारे पास चावल है उन सबको यहाँ पर डाला जाता है। भगवान जी की ऐसी माया है कि यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और देख सकते हैं लोग बात डाल रहे हैं, ये या तो बदासी डालेंगे या तो यहाँ पर चावल डाला जाता है। और यहाँ मछलियाँ भी देखने को मिलती हैं, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मछलियाँ मुझे दिख जाए। तो यहाँ पर मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं और सब लोग यहाँ पर अस्सी चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो सब लोग और हम लोग भी यहाँ पर चढ़ाएंगे और ये सब लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये
तो मंदिर में पहुंचने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं और अभी भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिली है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और अभी पड़ ही रहे हैं लगभग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और तो यहाँ पर जो भी भक्त जन आता है उसका निराव भी किया जाता है, और ये जो भी इस श्रद्धा से आए हैं कि किसी को कुछ लगा तो नहीं है, वो यहाँ पर सब कुछ भगाने वाला शक्ति है यहाँ पर नौलिक जी की। आप चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से। अच्छा, पहन लो एक बार। बोनी करा दो इनकी, चंडीगढ़ से आए हैं। यार ले लो फिर। हैं? शौक नहीं है ना? आपके स्वीट स्वीट। तो इस मेले का काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, लोग बाग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। और मैंने एक भाई से बात की, वो चंडीगढ़ से पहुंचे हुए थे और काफी दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं, और यही माहौल होता है गांव की औरतों को बाहर निकलने का। हमारे बीच में आज के हमारे जब भी हम मेले से विदा लेते हैं तो घर में माँ कहती है कि मेले से कुछ नहीं लाए, मेले से अभी हम लोग कुछ लेके चलेंगे, और जो कि क्या कुछ होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेले का भेंट होता है वो, जब हम मेले में जाते हैं तो उसके लिए कुछ लेके चलते हैं।
प्रधानमंत्री जी अभी भी एक योजना लॉन्च की पीएम श्री श्री विश्वकर्मा योजना, जो हमारे यहाँ लोहार है जो मिस्त्री है उनको पीएम श्री योजना के तहत उनको धनराशि को दी जा रही है। और श्रम विभाग के माध्यम से जो राशि आफत से सही चीजें आपको दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पर पहुंच कर अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। और शाबाश शाबाश, जो लगा जो लगा जो लगा जो लगा जो। और ये थी यहाँ का माहौल और देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफी अच्छा मुस्तैद है, छोटी सी जगह है और यहाँ पर से नीचे जाकर खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए अब चलते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, रास्ते में चलते हैं। यहाँ पर नारियल लिया है और लगा जोर लगा, ये भाई ने तोड़ दिया है। और पुलिस वाले अंकल भी कह रहे थे कि मुझे भी दो, हम उनको भी खिलाते हैं क्योंकि वो दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसी धूप में, तो हमारा थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इनको भी थोड़ा बहुत खिलाया जाए। तो ये वाले अंकल है, इनको भी देना है, दे दो दे, एक हिस्सा उनको देते, ये वाला दे दे, ये वाला धन्यवाद, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रखा है। तो इस खूबसूरत से सफर से लेते हैं विदा। और बीच बीच में काफी ज्यादा यहाँ पर धूल उड़ रही है, कच्ची रोड होने की वजह से, और गाड़ियाँ लगातार आना जाना लगा रह रहे हैं। नया लो निधर वाला, तो जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपनी मन की इच्छा पूरी करते भगवान के दर्शन कर निकल पड़े घर की ओर। और अभी आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो जिसकी वजह से रोड थोड़ी सी सही मिल रही है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता। और आप देख सकते हैं नीचों को इतनी बड़ी खाई है और इस खाई में डबल ट्रिपल करके घूम रहे हैं लोग, बस तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम बाबा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सही तो आ गया।